ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपका चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो उसके अंदर हमने जो मूवमेंट है वो एनिमल्स के अंदर हम पढ़ चुके थे। अब जो है फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स के अंदर किन किन पार्ट्स के थ्रू होता है, या कौन से ऐसे पार्ट्स है प्लांट्स के जिनके थ्रू जो फूड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, इन प्लांट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स और मेकिंग फूड। जो प्लांट्स का जो फूड है, बॉडी का जो फूड रहता है वो हर पार्ट में पहुँचना बहुत ज़रूरी रहता है। बिकॉज प्लांट की जो बॉडी है या फिर प्लांट का जो हर पार्ट है वो तभी तो मूव करेगा, तभी तो ग्रो करेगा अगर उसको फूड मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर उसको एयर मिलेगी, प्रॉपर उसको गैसेस मिलेंगी, तभी तो वो जो है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, तभी तो वो ग्रो करेगा। अगर उसको वो प्रॉपर नहीं मिलेगा उसके बॉडी पार्ट्स के थ्रू, देन वेरी सून इट विल गेट डाइड। तो ये चीज़ें पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। देन द फूड मेड बाय द लीव्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट्स कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम उसको बोलते हैं ना। ह्यूमंस का जो रहता है वो क्या रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जबकि जो है आपका प्लांट्स का जो रहता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम उसको बोलते हैं। ओके, प्लांट्स के अंदर जो है आपके दो पार्ट पाए जाते हैं। देखो, बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है बेसिकली फूड और वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एक तो उसका फूड और दूसरा जो रहता है आपका वाटर। तो ये दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जाइलम वेसल्स होती है और एक होती है फ्लोएम वेसल्स जो प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर आर्टरीज और वेंस पाई जाती है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। तो जाइलम का सिंपली आपको ध्यान रखना है, जाइलम कैरीज वाटर वेर मिनरल फ्रॉम द, जो वाटर है वो रूट से जो है, जाइलम वेसल जो रहती है वो सीधा डायरेक्टली रूट से कनेक्टेड रहती है और रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स को वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। सिंपली फ्लोएम का क्या काम क्या रहता है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो फूड जो है विच कैरीज द मैन्युफैक्चर्ड फूड इन अ सोल्यूबल फॉर्म फ्रॉम द लीव टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी कोई सा भी प्लांट ले लो, उसका जो फूड रहता है वो उसकी लीव्स में रहता है। तो जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो लीव्स से दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फूड जो है वो कहाँ प्रिपेयर होता है प्लांट का, वो लीव्स के अंदर रहता है। तो लीव्स से फ्लोएम, लीव से जो है आपका फ्लोएम वेसल स्टार्ट होती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में वो फैली हुई रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, किस तरीके से रहता है। मैं आपको सीधा ध्यान एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो उससे आपको सीधा ध्यान में रह जाएगा। फूड क्या, ये क्या होता है, डॉटेड स्ट्रक्चर के रूप में ये फ्लोएम रहते हैं। मतलब क्या रहता है, मतलब बहुत सारे डॉट 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 मिलकर बना हुआ रहता है। जो जाइलम वेसल रहती है वो बहुत सारे डॉट डॉट मिलकर बना हुआ रहता है और जो रूट से कनेक्टेड रहता है। जैसे हम प्लांट को वाटर डालते हैं तो वहाँ से वो नीचे से वाटर को कलेक्ट करता रहता है और वो सीधा ऊपर की तरफ जाता रहता है और वो आगे जाके बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और वाटर जो है हर पार्ट तक पहुँच जाता है। इसी तरीके से आपका किसका रहता है, आपका फ्लोएम का भी इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। अगला है किसके अंदर, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये जो मैंने बोला है इसमें यही लिखा हुआ है, पुशिंग एक अपवर्ड फोर्स रखता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ जो है एक अपवर्ड फोर्स रखता है, वो फोर्स क्या रहता है वो 10th क्लास में स्टडी करेंगे, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो रूट से, यानी जो नीचे मिट्टी से पानी ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है ना, तो फोर्स लगेगा तभी तो ऊपर जाएगा पानी। पानी ऊपर जा रहा है प्लांट में तो फोर्स लगेगा तभी तो जाएगा वहाँ। उसके अंदर कोई ब्लड तो पाया जाता है नहीं प्लांट के अंदर, जो ब्लड जो है रोटेट होता जाएगा, या प्लांट के अंदर कोई हार्ट पाया जाएगा जो उसको पंप करता रहेगा। तो वहाँ पर क्या, एक फ़ोर्स लगना बहुत ज़रूरी है और वो फोर्स एक लगता है जिसके कारण जो है वाटर और दूसरी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट होती है। हाँ, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, आउटवर्ड मूवमेंट। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो है, आप छत पर अगर आपके लगे हुए हैं प्लांट्स, घर में लगे हुए हैं, तो आपने देखा होगा लीव के ऊपर जो है कभी कभी पानी या पेपर्स जो है नज़र आती है। तो कहीं बार प्लांट जो है
जो है ओवर हो जाता है ना पानी, तो उसको निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ में लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपीरेशन विल बी इज लाइक ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, प्लांट रिजर्व लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाउएवर ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, द एक्सेस ऑफ वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट की जो लीव्स रहती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स या छेद जिसको बोलते हैं वो पाए जाते हैं। वो प्लांट जब वाटर जो है एक्सेस में हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो प्लांट जो है उन छेद या पोर्स के थ्रू वाटर को जो है सॉरी जो वाटर को जो है एक्सेस हो जाता है तो उसको पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। उन पोर्स को ध्यान रखना, उन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। तो वो स्टोमेटा के थ्रू जो है ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो वो निकाल दिया जाता है। इसको प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो जो है वेस्ट चीज़ें बाहर निकालता है शरीर से। ओके, तो ये होगा वेपर वाली फॉर्म में वो बाहर निकाल देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है फ्लोएम के थ्रू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है ट्रांसलोकेशन, इसमें आया है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, लीव्स के थ्रू फूड का डिफरेंट पार्ट में पहुंचना या ट्रांसपोर्ट होना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, है ना। फ्लोएम के थ्रू होता है, ये ध्यान रखना है। और लीव्स के थ्रू जो है लीव से फ्लोएम के थ्रू फूड का डिफरेंट पार्ट में पहुंचना क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। एक अगला आता है इसमें एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मैंने अभी अभी बताया। एक्सक्रीशन जो है हमारी बॉडी जो भी हम फूड लेते हैं, फूड का जितनी एनर्जी हमें फूड से लेनी होती है वो हम ले लेते हैं, और बचा हुआ जो वेस्ट रहता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन आपको याद रखना है। अगला आता है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स की बेसिकली मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं जो है डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। एनिमल्स सच जो यूनिसेल्युलर रहते हैं उनका तो कुछ नहीं है, वो सीधा खाते हैं और सीधा जैसा वो लेते हैं वैसा का वैसा ही वो निकाल देते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं है। और बट उनको जो है ये ध्यान रखना है, एनिमल्स सच अर्थवर्म इंसेक्ट एंड लीचेस हैव ट्यूबलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड मेलफिगियन ट्यूबल्स, उनको बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वो जिन स्ट्रक्चर को के थ्रू वो निकालते हैं उसको मेलफिगियन ट्यूबल्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंट आपका ये है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, आपको ये सॉरी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आपको याद रखना है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कैसा होता है, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन के लिए जो पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं किडनी, ठीक है। किडनी आपके डायग्राम में आप देख सकते हो, ये किडनी का जो है डायग्राम है आपका किडनी का, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 1 और 2 दो पैर, आप बीन लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो किडनी, उससे बहुत सारी ट्यूब्स निकली हुई है और नीचे की तरफ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो किडनी के यहाँ पर बहुत सारा ब्लड आता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है किडनी में ब्लड आता है। ब्लड से जो है वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को इन ट्यूब्स में डाला जाता है और ट्यूब नीचे आके इस बैग में आ जाती है, और इस ट्यूब को इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, इन दोनों को बोलते हैं किडनी, और ब्लू ब्लू को ब्लू वाला जो दिख रहा है उसको बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर के थ्रू जो है आपका ब्लैडर, देखो ये बैग लाइक नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको देख रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लैडर बोलते हैं। तो ब्लैडर के अंदर जो है आपका वेस्ट जो है, वेस्ट मतलब यहाँ पर यूरिन जिसको बोलते हैं, जो आपका आपकी बॉडी का जो यूरिन है वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से जो है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी के अंदर एक पाया जाता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने का मतलब जो है ब्लड के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो बॉडी पार्ट्स में भेज देता है, और जो वेस्ट चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करके जो है यूरेटर में भेज देता है। यूरेटर आप ट्यूब देख सकते हो, और यूरेटर से जो है वो ब्लैडर में आ जाती है, और ब्लैडर के थ्रू उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली क्या होगा, फंक्शन ऑफ किडनी का मतलब होगा कि जो है यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन मतलब हमारे शरीर का वेस्ट, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर वाटर वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है इसमें आपका किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर क्या होता है, बेसिकली किडनी फेलियर जब आपकी कोई सी भी किडनी काम करना बंद कर देती है, फिल्टर करना बंद कर देती है,
तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो है अगर ह्यूमन की एक किडनी अगर ख़राब भी हो जाती है तो वो एक किडनी पर भी वो ज़िंदा वो रह सकता है ना। एक इसमें है डायलिसिस प्रोसेस। क्या होता है डायलिसिस प्रोसेस का मतलब होता है जब आपकी दोनों किडनियाँ भी ख़राब हो जाती है तो आपके शरीर में फ़िल्टर करने का काम बंद हो जाता है। मतलब किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फ़िल्टर करना, ठीक है। अब ब्लड अगर फ़िल्टर नहीं होगा तो आपके शरीर में गंदा ब्लड भर जाएगा, गंदा ब्लड आपके पूरी बॉडी ब्लड क्या करेगा फिर सारी बॉडी में फैल जाएगा, उस तरीके से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो डायलिसिस क्या प्रोसेस होता है, अगर आपकी किडनी दोनों वर्क करना बंद हो चुकी है तो आपके शरीर से पूरा ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिर ब्लड को प्योर किया जाता है, फिर वापस उसको डाला जाता है। तो दिस इज़ द सिंपली प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है एक आपका ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो ट्रांसप्लांटेशन तो मतलब वही है कि एक किडनी निकाल के दूसरे की किडनी दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना। मोर परमानेंट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन विच द डैमेज किडनी रिप्लेस विद अ हेल्दी किडनी। तो किडनी जो है दूसरी हेल्दी पर्सन की किडनी लेके उसमें आपको ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो ये आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। अगला इसके अंदर आता है आपका अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन का तो था, किडनी का था। इसके अलावा और हम कहाँ से एक्सक्रीशन कर सकते हैं, वो है एक स्किन जिसमें हम स्वेट करते हैं, स्वेट कई बार हमें पसीना आता है तो स्किन के भी थ्रू हम एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसमें आता है अगला आपका लंग्स आता है। लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। वाटर अगला आता है इसके अंदर। वाटर जो है अच्छा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में क्या अगर प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है निकाल देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो प्लांट के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एंड देन अगला आता है आपका वाटर। तो वाटर तो इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द स्टोमेटा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये हम पिछले वाले सेक्शन में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट जो है कई बार प्लांट जो है, अब देखो कुछ प्लांट काफ़ी पॉइजनस जो है वेस्ट निकालते हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है, ठीक है। लेटेक्स है ना, तो ये टॉक्सिक वेस्ट निकालते हैं और कुछ वेस्ट जो है रबर बनाने के लिए कई सारी उपयोगी चीज़ें यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए भी काम में आते हैं। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है आपका ख़त्म होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाला चैप्टर आपका पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।